वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DSR ट्यूटोरियल। हमारे पिछले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट जो प्रोसेस होती है डेवलपमेंट बायोलॉजी की, उसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ जान लिया था। गैमेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में गैमेट कैसे फॉर्मेशन होती है वो जान चुके थे, जिसमें कि स्पर्म की फॉर्मेशन हुई थी और ओवम की फॉर्मेशन हुई थी। अब ये जो गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई थी बाय गैमेटोजेनेसिस, ये आपस में फर्टिलाइज करेंगे और फर्टिलाइज करने के बाद फिर जो हैप्लॉयड कैरेक्टर्स थे स्पर्म और ओवम में, वो डिप्लॉयड कैरेक्टर में चेंज हो जाएंगे फ्यूज होने के बाद, और जायगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें हमें यही पढ़ना है, जो पिछली प्रोसेस थी गैमेटोजेनेसिस, उसके द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस से जो फॉर्मेशन हुई थी सेल्स की, वो आपस में फर्टिलाइज करेंगे, फ्यूज करेंगे और फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, जायगोट की। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या है? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच स्पर्म एंड एग्स विच आर गैमेट्स फ्यूज टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू इंडिविजुअल्स। पहले तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी और फिर एम्ब्रियो में ही फर्दर चेंजेस आएंगे और उसके बाद फॉर्मेशन हो जाएगी एक कंप्लीट इंडिविजुअल्स की। तो इस तरह की प्रोसेस जिसमें हैप्लॉयड कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं डिप्लॉयड कैरेक्टर में, उसे क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब फर्टिलाइजेशन जो है उसमें देखिए बहुत सारी बातें हैं कि फर्टिलाइजेशन में, एक तो हमें पता है कि एक सेल के अंदर दो पार्ट होते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो, वन इज़ न्यूक्लियस एंड अनदर वन इज़ साइटोप्लाज्म। तो अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों की ही फ्यूजन हो रही है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है साइटोफर्टिलाइजेशन। साइटोफर्टिलाइजेशन इन विच बोथ ऑफ पार्ट आर फ्यूज टुगेदर, न्यूक्लियस भी फ्यूज हो रहा है और साइटोप्लाज्म भी फ्यूज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, साइटोफर्टिलाइजेशन, और इसको सिनगैमी भी बोला जाता है। ये कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड है फर्टिलाइजेशन से, जो प्रोसेस हमें जान रहे हैं उसी से रिलेटेड है कुछ। अब देखिए अगर न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, केवल न्यूक्लियस की बात करेंगे तो उसे कैरियोगेमी कहते हैं, और अगर साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है तो उसे साइटोगेमी कहते हैं। ये आपको पता ही होगा, आप सेल डिवीजन में काफ़ी बार पढ़ चुके होंगे। अब सिनगैमी जो है, जिसमें न्यूक्लियस की भी फ्यूजन हो रही है और साइटोप्लाज्म की भी फ्यूजन हो रही है, वो दो टाइप्स की होती है। वन इज आइसोगेमी। आइसोगेमी में क्या होता है, अगर जो पार्टिसिपेंट हैं यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की बात की जाए, वो सेम साइज के हैं और सेम कैरेक्टर के हैं तो आइसोगेमी बोलते हैं उस प्रोसेस को। और एग्जांपल है इसमें बेस्ट पॉलिस्टोमेला एल्फीडियम है, जो कि एक प्रोटोजोअन है। अगर सेम नहीं है बोथ पार्टिसिपेंट्स, यानी जो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की, वो डिफरेंट हैं, तो उसको बोला जाएगा एन आइसोगेमी। तो ये बेसिक टर्म है। मोनोसिस्टिस में ये फॉर्मेशन होती है एन आइसोगेमी की, जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो डिफरेंट होता है जो पेरेंट्स हैं। नेक्स्ट, अभी तो हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों का फ्यूजन होता है, लेकिन हायर फाइलम्स के जो एनिमल्स हैं उनकी बात की जाए तो उनमें देखा जाता है कि जो फ्यूजन होता है वो केवल किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है, इसलिए इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। साइटोप्लाज्म का फ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी तो उसमें जो स्पर्म की फॉर्मेशन हुई थी उसमें जितना भी साइटोप्लाज्म था वो डिग्रेड कर दिया गया था, जो भी बचा था वो ओनली न्यूक्लियस बचा था। क्यों? क्योंकि एक सिंगल सेल से फोर हैप्लॉयड स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही थी, जिसमें हुआ क्या था, जो भी साइटोप्लाज्म था वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, केवल न्यूक्लियस बचा, इसलिए इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हालांकि ये माना जाता है कि जो एग होता है उसके पास तो साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता है, इसलिए केवल फ्यूजन किसका होता है, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, बाकी कोई मैटर फ्यूज नहीं करता है। तो इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन हायर एनिमल्स में पाया जाता है, और लोअर एनिमल्स की बात की जाए तो उनमें पाया जाता है जो पीछे आपको बताया, साइटोफर्टिलाइजेशन।
अब फर्टिलाइजेशन भी दो तरीके के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं, ये ज़्यादातर वाटर एनवायरनमेंट में होते हैं, अगर देखा जाए तो स्मॉलर जो एनिमल्स हैं, लोअर्स जो है इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, उनमें ये प्रोसेस ज़्यादा पाई जाती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, जो बॉडी के आउटसाइड हो रही हो उस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इसमें इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स जैसे कि फिशेस हैं और एम्फीबियंस हैं और स्टिकथीस फिशेस हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये ह्यूमन की बात की जाए, बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन का, तो इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में होता है, वो भी कहाँ पे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ओनली फीमेल्स में इस तरीके का होता है। कुछ फिशेज हैं लेस्मोब्रैंक सार्क स्कॉलियोडॉन और टेरेस्ट्रियल एमनियोड्स हैं, जितने भी रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स, उनमें इस तरीके का फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म थे, आगे चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन की, जो मेन प्रोसेस है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है CSIR नेट के लिए। इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, अगर दिसंबर के एग्ज़ाम की बात की जाए तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है, और अगर जून की बात की जाए तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है। तो प्रोसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको अगर ईजिली समझ आ जाए तो फिर अच्छा रहेगा। अब इसमें देखिए, एक तो ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, प्रोसेस जो है काफ़ी स्टेप में होती है, तो 4 स्टेप आपको बता देता हूँ इसमें से मेन मेन। पहला जो स्टेप है उसमें स्पर्म की अट्रैक्शन होती है और उसका कैपेसिटेशन होता है, दूसरी प्रोसेस है एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन, और तीसरा है एक्टिवेशन ऑफ ओवन, और उसके बाद गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाई जो होते हैं उनका फ्यूजन होता है। तो हमें 4 स्टेप में पढ़ना है फर्टिलाइजेशन जितने भी एनिमल्स हैं उसमें किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को हम डिटेल में स्टडी करते हैं, स्पर्म अट्रैक्शन एंड कैपेसिटेशन के बारे में। तो फर्स्ट स्टेप है स्पर्म अट्रैक्शन। अब देखिए, हमें पता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो या तो एक्सटर्नल होगा या इंटरनल होगा। अब अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इंटरनल में तो हमें पता है कि सीधे इजेकुलेट कर दिया जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो आसानी से पहुंच सकता है। लेकिन अगर एक्सटर्नल की बात की जाए तो एक्सटर्नल में किस तरीके से पहुंचाया जाएगा, किस तरीके से फर्टिलाइज होगा, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल प्रोसेस है। तो उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं, स्पर्म अट्रैक्शन बोलते हैं जिसको, स्पर्म को अट्रैक्ट किया जाता है ताकि वो फर्टिलाइज होने के लिए एबल हो जाए। अब देखिए, यहाँ पे एक तो एग जो है वो ये प्रोसेस करते हैं, एग अट्रैक्ट करता है स्पर्म को, और इसमें रेसिप्रोकल प्रोसेस भी होती है, स्पर्म भी अट्रैक्ट करता है ओवम को। तो एक तरीके से देखा जाए रेसिप्रोकल प्रोसेस है, स्पर्म की अट्रैक्शन होती है ओवम की तरफ और ओवम की अट्रैक्शन होती है स्पर्म की तरफ। तो इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरी होती है। अब इसमें भी 2 मेथड होते हैं। देखिए, पहली बात तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो स्पीसीज स्पेसिफिक अट्रैक्शन ही होती है स्पर्म में या ओवम की बात की जाए, एक स्पीसीज जो है वो उसी स्पीसीज के एग से ही अट्रैक्ट करेगा स्पर्म, किसी दूसरे स्पीसीज से अट्रैक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इस तरीके से अगर होगा तो काफ़ी सारे म्यूटेशंस आ सकते हैं और हो सकता है कि ये प्रोसेस कंप्लीट ही ना हो। इसलिए सेम स्पीसीज में ही फर्टिलाइजेशन हो, इसलिए स्पीसीज स्पेसिफिक अट्रैक्शन होते हैं, और ये रिपोर्ट किया था मिलर ने, योशिडा ने और हुरनेट ने। अब इसमें देखिए होता क्या है कि स्पर्म जो है वो अट्रैक्ट 2 तरीके से करते हैं, एक तो बाई कीमोटैक्सिस और दूसरा फिजिकल मेथड भी है। फिजिकल मेथड में क्या है कि बहुत सारे इंसेक्ट के जो एग होते हैं, इंसेक्ट के एग की बात करें, सेंट्रोलेसिटल एग मैंने आपको बताया था, उनके ऊपर कवरिंग बहुत हार्ड होती है, तो स्पर्म आसानी से अंदर एंटर नहीं कर सकता है। इसके लिए वहाँ पर कुछ होल्स पाए जाते हैं, स्मॉलर होल्स उनकी वॉल में, उन होल्स को बोला जाता है माइक्रोपाइल्स। अब एक होल में से केवल एक ही स्पर्म एंटर कर सकता है। इस तरह की प्रोसेस जो होती है वो फिजिकल प्रोसेस कहलाई जाती है, इसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं होता है। तो 2 तरह की प्रोसेस हैं, एक तो फिजिकल प्रोसेस है जो माइक्रोपाइल्स की द्वारा एंटर हो जाता है
ओनली वन स्पर्म, और दूसरी प्रोसेस है कीमोटैक्सिस, जिसमें केमिकल रिलीज करके अट्रैक्ट किया जाता है। हम बात किसकी कर रहे हैं? अट्रैक्शन की। तो अट्रैक्ट कैसे किया जाएगा? एक तो जिसमें केमिकल का यूज ना हो, वो फिजिकल प्रोसेस हो गई बाई माइक्रोपाइल्स इन इंसेक्ट। दूसरा जो है वो केमिकल की यूज़ की जा रही है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ केमिकल्स हैं वो रिलीज किए जाते हैं ओवम के द्वारा। तो होता क्या है, ओवम जो है कुछ केमिकल रिलीज करता है, जिसकी वजह से स्पर्म में अट्रैक्शन होती है और स्पर्म जो है वो ओवम के पास ट्रेवल करके पहुंच जाता है। अगर ये केमिकल रिलीज ना हो तो स्पर्म अट्रैक्ट नहीं होगा और ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें, वाटर में या सी अर्चिन की बात करें, सी में ये प्रोसेस हो रही है, वहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अब डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया तो हो सकता है कि स्पर्म कहीं और चला जाए, एग के पास पहुँच ही ना पाए, इसलिए इस तरीके की प्रोसेस होती हैं, कीमोटैक्सिस प्रोसेस कहते हैं। ये आपको पता ही होगा कीमोटैक्सिस होता है क्या। कीमोटैक्सिस में केमिकल रिलीज किए जाते हैं ताकि अट्रैक्शन हो और वो उसके पास आ जाए। अब ये मिलर जो थे, मिलर की बात कर रहे हैं, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, यूडेरियंस पे किया था, ऑर्थोपायसिक्स में देखा था ये। तो उन्होंने ये देखा था कि ये जो प्रोसेस है केमिकल रिलीज होने की, वो केवल एम टू कम्प्लीट होने के बाद ही वर्क करती है। उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोपिक दो स्लाइड ली, एक स्लाइड पे उन्होंने ओवम को रखा जो कि अपनी एम टू की प्रोसेस जो है, सेल डिवीजन की प्रोसेस है माइटोटिक सेकेंड, वो कम्प्लीट नहीं कर पाया था, और दूसरा लिया जिसमें कि एम टू कम्प्लीट हो चुका था। तो उन्होंने ये देखा, जब एम टू कम्प्लीट नहीं हुआ तब तो स्पर्म अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, जैसे ही साइकिल कंप्लीट हुई, ये मैं ऊजेनेसिस की बात कर रहा हूँ, ऊजेनेसिस में जो एम टू साइकिल चलती है, वहाँ पे जैसे ही कंप्लीट हुई ओवम में और स्पर्म अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए, ये माइक्रोस्कोप में देखा था उन्होंने, और फिर पता लगाया था कि जो केमिकल रिलीज होते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, वो केवल और केवल एम टू प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही होते हैं, उससे पहले ये प्रोसेस नहीं देखी जाती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमने नोट करने वाली हैं, एक तो है कि अट्रैक्शन किस तरीके से होता है। अट्रैक्शन एक तो केमिकल रिलीज होने की वजह से होता है, दूसरा ये जो केमिकल रिलीज होता है ये भी टाइम बाउंड है, एम टू कम्प्लीट होने के बाद ही रिलीज होगा, उससे पहले रिलीज नहीं होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी में से ही एक CSIR का क्वेश्चन आया था, इसी से रिलेटेड है वो। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ममेलियन ऊसाइट होता है, स्पर्म से फ्यूज करने से पहले कौन सी स्टेज में रहता है। क्वेश्चन ये है, उसके ऑप्शन थे प्रोफेज फर्स्ट ऑफ माइटोसिस, प्रोफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, जीवन फेज ऑफ माइटोटिक साइकिल, और मेटाफेज ऑफ मियोसिस सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, अगर आपको नहीं आ रहा है इसका आंसर तो मेरी पिछली जो वीडियोज़ हैं ऊजेनेसिस की, उसमें आप जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको इसका आंसर मिल जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन दो नंबर में आ जाते हैं। आगे देखते हैं, अब क्या हुआ था, इकाइनोडर्म्स जो थे, इकाइनोडर्म्स में एक केमिकल पाया जाता है जिसको रिसेक्ट नाम बोला गया है, जो 14 एमिनो एसिड पेप्टाइड का बना हुआ होता है, और एग की जेली जो मेम्ब्रेन होती है, एग में जो मेम्ब्रेन होती है उसमें आउटर जो लेयर होती है वो जेल की होती है, जेली लेयर बोलते हैं जिसको, उससे सीक्रेट होता था, जिसे रिसेक्ट बोला गया था। और ये केवल इसी स्पीसीज में देखा गया था, ए पंक्चुलेटा, सी अर्चिन की ए पंक्चुलेटा स्पीसीज में ही देखा गया था, रिसेक्ट नाम का जो केमिकल है वो अट्रैक्ट करता था स्पर्म को, ताकि वो उससे फ्यूज करने के लिए आ जाए। तो रिसेक्ट तो देखा था वो ए पंक्टुलेटा में देखा था, उसी के ही जैसा एक और एनालॉगस देखा था स्पीरेक्ट, केमिकल वही है, वर्क वही है, सेम अट्रैक्शन करने का ही काम है, ये देखा गया था पर्पल सी अर्चिन में। अब ये जो है, इस तरीके से केमिकल का पता लगा लिया गया था कि रिसेक्ट नाम का एक केमिकल है और स्पीरेक्ट नाम का एक केमिकल है जो कीमोटैक्टिक प्रोसेस करता है। देखिए यहाँ पे
एग की बात करें तो एग में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन जो है वो वाइटलाइन एनवलप कहलाती है, और उसके भी बाहर जो है वो एग जेली होता है। एग जेली की ही बात कर रहा था मैं, एग जेली से ही एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं रीसेट। तो यहाँ पे ये जो देखा गया था वो देखा गया था आरबेसिया पंक्टुलेटा में रीसेट जो है वो रिलीज हो रहा था एग जेली से, और वो रीसेट जो है स्पर्म के पास कुछ रिसेप्टर होते हैं उस पर जाके बाइंड करता है, लाइगेंड की तरह फॉर्मेशन करता है, और वो स्पर्म अट्रैक्ट हो जाता है और जेली से आके मिल जाता है। तो फर्स्ट फॉर्मेशन यही है कि रीसेट को रिलीज किया जाता है जेली से, जेली कोट से, और वो अट्रैक्ट करता है किसको, स्पर्म को। तो हमें यही तो पढ़ना था अट्रैक्शन कैसे होती है। तो अट्रैक्शन इस तरीके से होती है, होता क्या है कि जो रीसेट है वो रिलीज कर दिया जाता है और वो बाइंड कर जाता है मेम्ब्रेन में, स्पर्म की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ रिसेप्टर होते हैं रीसेट के लिए, उस पर जाके बाइंड कर देता है। वो देखते हैं आगे कैसे होते हैं रिसेप्टर। देखिए यहाँ पे रीसेट है, ये जो है वो स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स वगैरह पाई जा रही हैं, और ये साइटोप्लाज्म है, ये स्पर्म की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, रीसेट जो है वो सी वाटर में प्रेजेंट होता है, रिलीज किया जाता है बाई जेली कोट। रीसेट जो है वो जाके बाइंड करता है रिसेप्टर ग्वानाइल साइक्लेज, RGC का मतलब है रिसेप्टर ग्वानाइल साइक्लेज। तो रिसेप्टर ग्वानाइल साइक्लेज से ये बाइंड कर जाता है जाके, जिससे क्या होता है GTP चेंज हो जाता है साइक्लिक GMP में। अब साइक्लिक GMP जब फॉर्मेशन हो जाती है साइक्लिक GMP की, वो कैल्शियम चैनल जो होते हैं स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन में उनको ओपन कर देता है। चैनल जैसे ही ओपन होते हैं तो सी में जो भी सी वाटर में जितना भी कैल्शियम होता है, कैल्शियम तो होता है सी वाटर में, वो सारा का सारा ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें, स्पर्म के अंदर कैल्शियम ट्रांसफ़र हो जाता है इस तरीके से। अब कैल्शियम जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो कैल्शियम का रोल होता है कि वो उसको काफ़ी एक्टिव फॉर्मेशन में ले आता है, एक्टिव हो जाता है और वो ट्रैवल करने लगता है, स्विम करके पहुंच जाता है जेली कोट तक। तो रीसेट जो है दो वर्क करता है, पहला तो अट्रैक्ट करता है और दूसरा उसको एक्टिवेट करता है। तो रीसेट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। रीसेट की बात की जाए दो वर्क करता है ये, पहला तो अट्रैक्शन का वर्क करता है बाय कीमोटैक्सिस प्रोसेस, और दूसरा स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड है, स्पर्म को एक्टिवेट करता है ताकि वो स्विम कर पहुँच जाए। अब देखें जितनी प्रोसेस होने के साथ साथ और भी प्रोसेस होती है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, साइक्लिक GMP जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है, कैल्शियम के चैनल ओपन हो जाते हैं, फिर दूसरी बात है माइटोकॉन्ड्रियल ATP जनरेशन हाई हो जाती है, ATP की फॉर्मेशन हाई हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया ही था स्पर्मियोजेनेसिस जब पढ़ाया था, वहाँ पे आपको बताया था कि एक स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो ATP जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे जनरेशन जो है काफ़ी तेज़ हो जाती है जिसकी वजह से वो ट्रैवल करने लगता है, और डायनिन मोटर प्रोटीन्स भी आपको बताया था जो फ्लैजरल मूवमेंट में हेल्प करती हैं, फ्लैजला की फॉर्मेशन करती हैं। डायनिन प्रोटीन्स जो है वो प्रोटीन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, और जिस वजह से फ्लैजला में जो भी ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की फ्लैजला बनाने में वो पहुंच जाती है, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग करना इजी हो जाती है क्योंकि एनर्जी एक तरीके से आ जाती है। तो ये स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड्स भी है। नेक्स्ट कैपेसिटेशन की बात करें तो कैपेसिटेशन क्या होता है, कैपेसिटेशन का मतलब है कैपेसिटी प्रोवाइड कराना। स्पर्म की बात हो रही है यहाँ पे कि स्पर्म जो है उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, कैपेबल नहीं होते हैं कि एग को फर्टिलाइज कर सकें। ये मैमल्स में देखा गया है, स्पेशली मैमल्स की बात करें तो उनके स्पर्म में जब वो रिलीज होते हैं, इजैक्यूलेट होते हैं, तो उनमें इतनी पावर नहीं होती है, इतने एबल नहीं होते हैं कि वो फर्टिलाइज कर सकें। तो उनको कैपेसिटी प्रोवाइड की जाती है जिसको, जिस प्रोसेस को बोला जाता है कैपेसिटेशन। एक फिजिकल चेंज आ जाते हैं स्पर्म में, जो एबल नहीं होता है वो एबल हो जाता है फर्टिलाइज करने के लिए। कैपेसिटी प्रोवाइड होती कैसे, जब रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये रिलीज किए जाते हैं तो वहाँ पर कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे स्टीरॉल वाइंडिंग एल्ब्यूमिन, लाइपोप्रोटीन पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो उसके ऊपर जो लेयर होती है स्पर्म के ऊपर उसको डिग्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से इनमें एक्टिव
स्टेट आ जाती है, इनएक्टिव से एक्टिव हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, यानी ऐसा बोला जाए कि जो वायबल नहीं है वो एबल हो जाते हैं, नॉन एबल चेंज हो जाते हैं किसमें, एबल कंडीशन में, और कैपेसिटी आ जाती है। ये केवल मैमल्स में देखा गया है, बाकी में ऐसा नहीं होता है। तो एक छोटा सा टॉपिक है ये कैपेसिटेशन का, जो कि मैमल्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है ये प्रोसेस, कुछ केमिकल है रिलीज किए जाते हैं जिसकी वजह से ये एबल हो जाता है, एबिलिटी आ जाती है। अब अगर हम ऐसा होता है कि जो ह्यूमन की बात की जाए, मैमल्स की बात की जाए, ममेलियन जो स्पर्म होते हैं उनको अगर हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अगर करना चाहें, इन लैब की बात करें, अगर हम लैब में करना चाहें, इन वीवो ना करके इन विट्रो अगर करना चाहें, तो क्या होगा, वो कैपेबल नहीं होते हैं फर्टिलाइज करने के लिए। इनको कैपेबल बनाने के लिए हम कुछ केमिकल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट और सीरम एल्ब्यूमिन, तो वो कैपेबल हो जाते हैं। या फिर हम सीधे से ओविडक्ट, जो फ्लूइड निकलता है ओविडक्ट से, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, वो लेकर भी हम उनको बना सकते हैं। तो इस तरीके से कैपेसिटेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये फर्स्ट वाली जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है, स्पर्म अट्रैक्शन एंड कैपेसिटेशन। ये आपको समझ आ चुका होगा कि केमिकल्स होता है, रिसेक्ट की बात की गई थी यहाँ पे, मेन जो पॉइंट है वो रिसेक्ट है, जिसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं CSIR में। इजी क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं है, इजी प्रोसेस है, कीमोटैक्सिस प्रोसेस है बस। तो फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट प्रोसेस जो थी वो थी एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन, पहले इसकी बात भी कर चुके हैं कि एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स पाई जाती है, एंजाइम्स हैं तो रिएक्शन तो करेंगी ही, तो उसी की बात करेंगे हम यहाँ पे। और पेनिट्रेशन का मतलब है कि एक तरीके से रास्ता बनाने के लिए पेनिट्रेट करना, वॉल को तोड़ना पेनिट्रेट करके, तो वही बात करेंगे एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन की। तो एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन में क्या होता है, दो प्रोसेस होती हैं इसमें। पहला तो जो स्पर्म के आगे एक्रोसोम पाया जाता है, वो एक्रोसोम का यूज़ किया जाएगा, उसमें जो भी एंजाइम्स पाए जाते हैं वो रिलीज़ किए जाएंगे। तो पहली प्रोसेस में यही है, एक्सोसाइटोसिस की जाएगी जो एंजाइम प्रेजेंट हैं उनकी, और इसी को बोलते हैं, या सॉरी, फर्स्ट प्रोसेस जो है वो ऐसे ही होती है, फ्यूजन ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल विद द स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए आगे से फ्यूजन की जाती है एंजाइम्स की, ताकि ये जो मटेरियल है वो बाहर निकल कर एग की लेयर को ब्रेक कर सके। तो इस तरीके से ये पहली प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस क्या है, एक्सटेंशन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस। अब ये जो ब्रेक हो जाएगी, फिर यहाँ पे कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स के एक्टिन फिलामेंट की फॉर्मेशन हो जाती है, एक्टिन फिलामेंट इंक्रीज करते हैं साइज में, जो कि प्रेशर लगाते हैं किस पे, ओवम की वॉल पे, ओवम की जो मेम्ब्रेन होती है वाइट लाइन मेम्ब्रेन, उस पर प्रेशर लगाते हैं और वो ब्रेक हो जाती है। तो पहला तो प्रोसेस ये है कि केमिकल का यूज़ करें, एंजाइम जो भरे हुए थे एक्रोसोम में उससे जेली कोट को कर दिया जाए डिग्रेड। दूसरा फिर क्या है, एक एक्टिन फिलामेंट की फॉर्मेशन की जाए जो कि वाइट लाइन मेम्ब्रेन को तोड़ दिया जाए। तो ये दोनों प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, देखिए जो केमिकल्स होते हैं, अब यहाँ पे देखिए ओवम की बात की जाए, ओवम जो होता है वो कुछ केमिकल रिलीज करता है, फ्यूकोज सल्फेट केमिकल जो है वो स्पर्म के रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं जाके, कार्बोहाइड्रेट, सल्फेट कार्बोहाइड्रेट बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन द स्पर्म, स्पर्म के रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं, और उसकी वजह से कुछ चेंजेस आ जाते हैं स्पर्म की मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में। वो क्या क्या चेंजेस आते हैं देखिए, पहली बात तो कैल्शियम चैनल ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है वो आने लगता है स्पर्म के अंदर, ये पहले भी बात हो चुकी है। दूसरी बात, सोडियम और हाइड्रोजन का एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है, सोडियम जो है वो इंटरनली ट्रांसपोर्ट होने लगता है और जो हाइड्रोजन जो होते हैं वो एक्सटर्नली ट्रांसपोर्ट होने लगते हैं। स्पर्म की बात कर रहे हैं हम अभी, जो स्पर्म होते हैं उसमें भी आगे वाला जो पार्ट होता है, हेड पार्ट होता है, उसमें से सोडियम जो होते हैं वो अंदर की तरफ जाने लगते हैं और हाइड्रोजन जो होते हैं वो
बाहर की तरफ जाने लगते हैं। इस तरीके का ग्रेडियंट बन जाता है सोडियम Na प्लस, वो इंटरनली ट्रांसफर हो जाता है। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है CSIR में, ये इसलिए आपको बता रहा हूँ डिटेल में। आपको याद रखना है सोडियम इनफ्लक्स होता है और हाइड्रोजन आउटफ्लक्स होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। एक ग्राफ की वजह से दिया था, वो आपको आगे बता दूंगा किस तरीके का क्वेश्चन आया था। सोडियम की जो कंसेंट्रेशन है वो इंटरनली ट्रांसफ़र हो जाती है और जो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन है वो आउटसाइड द मेम्ब्रेन हो जाती है। तो इस तरीके के ये प्रोसेस होती है। दूसरी तीसरी बात है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो मेम्ब्रेन होती है स्पर्म की, मेम्ब्रेन की बात की जाए वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, सभी को पता है मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। तो इसमें फॉस्फोलाइपेज एंजाइम पाई जाती है जो फॉस्फेटाइडल आयनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट की फॉर्मेशन करती है। ये आपको पता होगा एक फॉस्फोलिपिड होता है IP3 बोलते हैं जिसे, फॉस्फेटाइडल आयनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट, जो कि इंटरनल पाया जाता है मेम्ब्रेन में, सेल किसी भी सेल यूकैरियोटिक के किसी भी सेल की मेम्ब्रेन की बात की जाए तो ये सेल के दो पार्ट होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेनस पार्ट और इनर मेम्ब्रेनस पार्ट। आउटसाइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इनसाइड जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो IP3 जो होता है वो इंटरनली प्रेजेंट होता है जिसमें फॉस्फोरस की वजह से इसको नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो IP3 की बात की जाए, IP3 है क्या, ये एक सेकेंडरी मैसेंजर है। IP3 क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह वर्क करता है, जिसका काम होता है कैल्शियम के चैनल ओपन करके कैल्शियम को रिलीज करने का। तो कैल्शियम रिलीज करने का काम कौन करता है, IP3। ये बात आपको याद रखनी है। आइनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट जो होता है उसका वर्क क्या होता है, कैल्शियम को रिलीज करने का वर्क होता है, ये आगे भी आपको बार बार यूज़ होगा। दूसरी बात, ये एक सेकेंडरी मैसेंजर है जो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। तो वर्क आपको बस यही करना है, जिसमें कैल्शियम रिलीज का वर्क करता है IP3, ठीक है। तो होता क्या है, कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है क्योंकि ये IP3 वर्क करता है मैसेंजर की तरह। तो कैल्शियम लेवल हाई होने की वजह से इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं, इस वजह से ये एक्टिव हो जाता है और जो मेम्ब्रेन होती है उस पर जाके अट्रैक्ट हो जाता है। अब क्या होगा, अब ये फॉर्मेशन होने के बाद जो एंजाइम प्रेजेंट थे एक्रोसोम में, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वो रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। तो होता क्या है, देखिए ये इसकी बात कर रहे थे हम लोग, मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे। मेम्ब्रेन में इतने सारे चेंजेस आ जाते हैं, पहला चेंज तो क्या है, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं तो कैल्शियम फिल्ड हो जाते हैं इसमें। दूसरा क्या है, सोडियम आयन अंदर आ जाते हैं, हाइड्रोजन आयन बाहर चले जाते हैं। और तीसरा वही IP3 का बताया, वो भी वही काम करता है, कैल्शियम चैनल ओपन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मेम्ब्रेन जो है वो डिग्रेड हो जाती है ऊपर की तरफ से और जो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थे वो सारे के सारे रिलीज़ हो जाते हैं। ये रिलीज़ होंगे तो एग की जो मेम्ब्रेन है उसको डिग्रेड कर देंगे, उसको तोड़ देंगे, पंक्चर कर देंगे, ठीक है। अब अलग अलग एनिमल्स में ये देखा गया है, H2CO3 ये कुछ गाइनोडर्म्स में पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की बात करें अगर, तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो सी अर्जिन में देखा गया है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और अगर हम एम्फीबियंस की बात करें फ्रॉग्स की, तो उसमें प्रोनेज एंजाइम देखा गया है। और मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में हायलुरोनाइडेज पाया जाता है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो रिलीज़ हो चुके हैं, यहाँ पे रिलीज़ होने की वजह से क्या हुआ है, जेली का जो कोट है वो सारा का सारा डिग्रेड हो चुका है, ठीक है। तो स्पर्म अब यहाँ तक पहुँच चुका है। तो पहली वाली जो वॉल थी वो डिग्रेड हो चुकी है, एग जेली की बात करें। अब दूसरा स्टेप क्या है, वाइटलाइन एनवलप को तोड़ना है। अब पहला वाला जो एनवलप था जेली का वो तो टूट चुका है, दूसरा वाला एनवलप है अब उसकी उसका नंबर है, उसको तोड़ेंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होती है। सेकेंड प्रोसेस क्या है, उसे तोड़ने के लिए मैंने बताया था आपको कि एक्टिन फिलामेंट की प्रोसेस हो जाती है, यहाँ पर दिया गया है एक्टिन फिलामेंट की प्रोसेस हो जाती है, वो भी उसी की वजह से होती है, कैल्शियम इनफ्लक्स हो जाता है। GTP बाइंड कुछ प्रोटीन होती है, उनकी फॉर्मेशन हो जाती है जिससे एक्टिन साइटोस्केलेटन की फॉर्मेशन होती है, जो
काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, ग्रोथ करती है और वाइटलैंड मेम्ब्रेन को पंक्चर कर देती है। अब ये प्रोसेस भी होती है वो भी कुछ केमिकल्स के द्वारा होती है, क्योंकि ये एक स्पीसीज स्पेसिफिक फाइंडिंग है। जो एग जिस स्पीसीज़ का है, स्पर्म भी उसी स्पीसीज़ का ही होना चाहिए तभी ये प्रोसेस कंप्लीट हो, इसलिए ऐसा तो होता है। एक और केमिकल पाया जाता है जिसको बाइंडिंग बोला जाता है, बाइंडिंग की बात करेंगे यहाँ पे हम। जो एग होता है उसमें बाइंडिंग रिसेप्टर पाया जाता है और जो स्पर्म होता है उसमें बाइंडिंग केमिकल पाया जाता है। बाइंडिंग क्या है? प्रोटीन है एक तरीके से। तो ये प्रोटीन जो है वो स्पर्म के पास मेम्ब्रेन में पाई जाती है जो वाइटलैंड मेम्ब्रेन को अट्रैक्ट करती है। तो जिस स्पीसीज़ का एग होगा उसी स्पीसीज़ का स्पर्म ही कांटेक्ट कर पाएगा, अदर स्पीसीज़ की कांटेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो पहली वाली प्रोसेस में भी यही हुआ था, इंसेक्ट का भी यही यूज़ था और बाइंडिंग का भी यही यूज़ है, स्पीसीज़ स्पेसिफिक अट्रैक्शन का ही यूज़ हो पाया। अब यहाँ पे देखिए, एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज हो चुका था, फिर उसके बाद जो मेम्ब्रेन थी स्पर्म की, उस मेम्ब्रेन में कुछ केमिकल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बाइंडिंग है। ये बाइंडिंग जो है वो एक तरीके से अट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये केबल और केबल उसी सेम स्पीसीज से ही बाइंड करेंगे जाके जिनके पास बाइंडिंग रिसेप्टर होगा। अब देखिए, बाइंडिंग रिसेप्टर EBR1 पाए गए थे सी अर्चिन में, EBR1 रिसेप्टर देखे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहली वाली जो एक मेम्ब्रेन की जो जेली कोट था वो तो ब्रेक कर दिया था भाई रिसेक्ट और जो भी एक्रोसोमल एंजाइम थे उसके द्वारा। अब नेक्स्ट वाइटलाइन मेम्ब्रेन को हमें ब्रेक करना है। वाइटलाइन मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए क्या होगा, पहले तो सेम स्पीसीज का ही स्पर्म आए उसके लिए बाइंडिंग रिसेप्टर पाए जाते हैं एग में, ये दिखाई दे रहे होंगे आपको रेड कलर में, ये रिसेप्टर है, वाइटलाइन मेम्ब्रेन में होते हैं और ये आपको देख रहा होगा रिसेप्टर के लिए लाइगेंड का वर्क करते हैं कौन, बाइंडिंग प्रोटीन जो कि स्पर्म में पाया जाता है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, एस पुरपरेटस की बात कर रहे हैं, सी अर्चिन की ही एक स्पीसीज है ये। सी अर्चिन में ही क्या होता है, बाइंडिंग प्रोटीन बाइंडिंग रिसेप्टर से ही बाइंड करेगी, कोई और अगर प्रोटीन होगी किसी के पास वो उससे बाइंड नहीं करेगा। तो इस तरीके से बाइंडिंग हो जाती है, फिर उसके बाद ये एक्टिन माइक्रोफिलामेंट इंक्रीज करता है और इतना इंक्रीज करता जाता है कि इसकी जो वॉल है, वाइटलाइन एनवलप है, उसको ब्रेक करके ये पहुंच जाएगा कहाँ तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। मैमल्स की बात करें अगर, तो मैमल्स में बाइंडिंग नहीं पाए जाते हैं, बाइंडिंग की जगह कुछ अदर केमिकल्स के फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे देखिए, पहली बात तो अगर हम एग की बात करें तो मैमेलियन एग की लेयर अलग होती हैं सी अर्चिन के एग की लेयर से। मैमेलियन एग की जो आउटर लेयर होती है वो कोरोना रेडिएटा होती है, वहाँ पर कौन सी थी, जेली कोट था। फिर उसके इंटरनल वहाँ पर वाइटलाइन मेम्ब्रेन थी, उसकी जगह जोना पेलुसिडा होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में सेम है, कोई अंतर नहीं है। अब वहाँ पर क्या था, वाइटलाइन मेम्ब्रेन में बाइंडिंग रिसेप्टर पाए जा रहे थे, यहाँ पर बाइंडिंग रिसेप्टर की जगह कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिन्हें ZP3, ZP2 और ZP1 प्रोटीन्स बोला जाता है। ये लाइगेंड का काम करती हैं। ZP3 ये जोना पेलुसिडा से लिया, ZP का मतलब जोना पेलुसिडा या जोना प्रोटीन बोल सकते हैं इनको। तो ZP3, ZP2 और ZP1 जो हैं वो लाइगेंड का काम करती हैं और रिसेप्टर किसके पास होता है, रिसेप्टर स्पर्म के पास होता है। ये अपोजिट है, वहाँ पे रिसेप्टर किसके पास था, एग के पास था सी अर्चिन में। मैमल्स की बात की जाए तो यहाँ पे रिसेप्टर किसके पास है, रिसेप्टर इसमें स्पर्म के पास है। इसमें एक डिफरेंस होता है, यहाँ पर जो एक्टिन फिलामेंट है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कोन नहीं बनती है, ये इसको इस पर यहाँ पर जाकर ब्रेक होने के बाद जब ये रिसेप्टर मिक्स हो जाते हैं तो यहाँ पे ये वॉल यहाँ तक फ्यूज़ हो जाती है। इस तरीके से फ्यूजन से क्या होता है, एक रास्ता बन जाता है और यहाँ से फिर जो भी न्यूक्लियस है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अंदर की तरफ। तो यहाँ पर
इम्पॉर्टेंट बात क्या है, फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन कोन की फॉर्मेशन हो रही थी सी अर्चिन में, मैमल्स में ये प्रोसेस नहीं देखी जाती है। अब एक बार पूरी समरी देख लेते हैं। सी अर्चिन की बात की जाए तो सी अर्चिन में पहली प्रोसेस क्या थी, स्पर्म कॉन्टैक्ट करेगा जेली कोट से, तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट हो रहा है जेली कोट से। इसके लिए केमिकल कौन सा यूज़ किया गया था, रिसेप्ट केमिकल यूज़ किया गया था। फिर सेकेंड है एक्रोसोमल रिएक्शन की फॉर्मेशन होगी, एक्रोसोम रिलीज होंगे तो जेली लेयर डिग्रेड हो जाएगी, और फिर किसका नंबर आएगा, वाइट लाइन एंड मेम्ब्रेन का। तो वाइट लाइन मेम्ब्रेन में बाइंड करने के लिए इसको बाइंडिंग प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके पास कुछ बाइंडिंग प्रोटीन होगी जिससे ये बाइंड कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा हुआ है बाइंडिंग टू वाइट लाइन एनवलप, तो बाइंडिंग प्रोटीन से ये पहुँच जाएगा वाइट लाइन मेम्ब्रेन तक, और फिर फर्टिलाइजेशन कोन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे देखिए फ्यूजन हो रही है फर्टिलाइजेशन कोन की, और यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट दिखाई दे रहा है जो कि वॉल तोड़ के अंदर बना रहा है फर्टिलाइजेशन कोन। तो ये सी अर्चिन में देखा गया। इसके अपोजिट माउस की बात की जाए, अगर अपोजिट तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है, माउस में जेली कोट की जगह कोरोना रेडिगेटा की लेयर होती है जैसे कॉमुलस लेयर भी बोलते हैं, और वाइट लाइन मेम्ब्रेन की जगह जो ना पेलोसिडा होता है, बाकी सेम है। यहाँ पे वही प्रोसेस है, वहाँ पे क्या था, रिसेक्ट का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे रिसेक्ट का यूज़ तो नहीं देखा गया लेकिन फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन देखा गया है। फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन पाए जाते हैं इनमें जिससे कि ये कॉमुलस लेयर तक पहुँच जाता है। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये स्पर्म बाइंड हो जाएगा जोना पेलोसिडा से, वहाँ पे वाइंडिंग प्रोटीन देखी गई थी, यहाँ पे वाइंडिंग नहीं, उसकी जगह ZP1, ZP2 और ZP3 देखी गई है। तो सेम वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस प्रोटीन्स का। फिर उसके बाद जोना पेलोसिडा तक एंटर करने के बाद फर्टिलाइजेशन कोन की फॉर्मेशन नहीं होती, यानी एक्टिन फिलामेंट का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, बल्कि जोना पेलोसिडा से ही डायरेक्ट एक रास्ता बना दिया जा रहा है जिससे कि न्यूक्लियस ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। दो प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, पहली अट्रैक्शन और दूसरी एक्रोसोमल रिएक्शन। बाकी तीसरी और चौथी प्रोसेस हम आपको अगले नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, ये पार्ट काफ़ी लंबा हो चुका है। अब आगे देखिए, CSIR नेट में एक क्वेश्चन आया था, दिस इज रिलेटेड। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट विच अकर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ सी अर्चिन एग। सी अर्चिन की बात कर रहे हैं, सी अर्चिन में ऑप्शन दिया था, फर्स्ट रिसेक्ट और स्पीरेक्ट और पेप्टाइड रिलीज फ्रॉम एग जेली, ये हम पढ़ चुके हैं एग जेली से रिलीज होता है जो हेल्प करता है अट्रैक्शन में, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है बाइंडिन एन एक्रोसोमल प्रोटीन है, पता है हमें बाइंडिन एक्रोसोमल प्रोटीन है, इंटरैक्ट इन एन स्पेसिफिक स्पीसीज स्पेसिफिक मैनर विद एग्स, ये भी बात हमें पता है, सही है। तीसरा है ए रेस्पिरेटरी बर्स्ट अकर ड्यूरिंग क्रॉस लिंकिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन एनवेलप वेयर ए कैल्शियम डिपेंडेंट इंक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल इज ऑब्जर्व। अब ये तो कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। IP3 विच फॉर्म एट द साइट ऑफ स्पर्म एंट्री, ये भी हम जान चुके हैं IP3 की फॉर्मेशन हुई थी, मैंने आपको बताया था सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है, और काम क्या करता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एक्सुड। अब ये यहाँ पे एग की बात करने लगे हैं, तो प्रोसेस सेम है, IP3 का वर्क वही होता है, वहाँ पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को रिलीज कराता है, स्पर्म में ये कैल्शियम को रिलीज कराता है, इस तरीके से IP3 का वर्क होता है। तो ये भी बात का सही ही है, आपको इसमें आंसर बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन कुछ अलग है, इसमें इनमें से क्या सही नहीं है वो पूछा है, तो ये आंसर आप देख लीजिए, अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी तो आंसर आप दे सकते हैं, कमेंट में कीजिएगा इसका आंसर, ताकि आप लोगों को प्रोसेस समझ आई है या नहीं आई है वो पता चल सकेगा। अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी आगे की प्रोसेस बताऊंगा जो दो पार्ट रह गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।